खबर महाराष्ट्र के अकोला से आ रही है, जहां 4 मई को गोरक्षण रोड पर एक घर से 43,77,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी का मामला उजागर हुआ। इस चोरी में कड़ी चुनौतियां थी। वही जानकारी के अनुसार अपराधियों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया था और आरोपी अकोला के आसपास के भी नहीं थे। इन सभी कड़ी चुनौतियों के बाद आखिरकार एसपी बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में एलसीडी प्रमुख शंकर शेलके और उनकी टीम ने 3 राज्यों की तलाशी के बाद इस चोरी की गुत्थी सुलझा ली। वही 3 आरोपियों को 25,00,000 रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता भी मिली है। इसके बाद पूरे शहर में एलसीबी की तारीफ हो रही है। अकोला से शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। 2024 को खदान पुलिस स्टेशन के परिसर में एक घरफोड़ी की घटना हुई थी, जिसमें कि लगभग 44,00,000 का मुद्देमाल गया था। उसकी तपास के लिए स्थानीय गुन्हे शाखा की टीम उसी समय से आरोपी का तपास शुरू किया था। इसमें बीच में 2 आरोपी अरेस्ट हुए थे, परंतु मुख्य आरोपी का सुराग नहीं लगा था। लगभग 78 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मुख्य आरोपी का पता आरा जिला भोजपुर इस जगह में सामने आया। उसके लिए एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने मुख्य आरोपी को ताबे में लिया और चोरी का माल उन्होंने इलाहाबाद में दिया हुआ है, ऐसे माहिती मिली। उसके आगे की तपास में लगभग 25,00,000 का माल रिकवर हुआ है एंड जो बाकी बचा हुआ मुद्देमाल है उसके लिए भी स्थानीय गुन्हे शाखा की टीम काम कर रही है। इसमें अभी तक पीआई शेड के स्थानीय गुन्हे शाखा PSI जाधव और उनकी सारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है। आगे का तपास इसमें अभी शुरू है। 2024